नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चलता है। हमेशा वो विवाद में रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी सारी कई खबरें आ जाती हैं जिसको लेकर वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और खेसारी लाल यादव एक बार फिर से चर्चा में बन गए हैं और वजह यह है कि उनका एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक गाना लग जाई आग जो है उसका ऑडियो संकल अचानक से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया। जब अचानक से इस गाने को रिलीज किया गया तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आया, बेचैनी नजर आया और मुझे भी कई सारे यानी कि 3-4 लोगों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली मैसेज किया था कि भैया ये देखिए ना कि अचानक से क्या हो गया। क्योंकि भाई देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि के महीना में वैसे ही पजल हो रखा है। डेली जो है उनके गाने रिलीज किए जा रहे हैं, फिल्में उनकी सिनेमाघर में दस्तक दे चुकी है, ट्रेलर पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो तमाम जो है वो कई सारे जो गाने हैं वो भी रिलीज़ किए जा रहे हैं फिल्मों के, लेकिन उसको लेकर लगातार लोगों में बेचैनी है और उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने में और उसको जो है समझकर उस गाने को देखने में विलंब हो रहा है। इसी बीच इस गाने का इतना तगड़ा तरीके से प्रमोशन किया जा रहा था, लोगों का एक्साइटमेंट लेवल जो था इस गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लग जाई आग गाने को रिलीज़ करना पड़ा। इसको लेकर लोगों में बेचैनी है तो लोग मैनेजमेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस गाने को लीक कर दिया गया है, यानी कि इस गाने का जो ऑडियो फॉर्मेट है वो लीक हो गया। इसकी वजह से आनंद फानम इन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर इस गाने को रिलीज कर दिया गया। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये गाना ऑलरेडी लीक हो चुका है तो कुछ लोग गाकर इससे पहले ना रिलीज कर दें, इसलिए आनंद फानम में रिलीज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मैनेजमेंट टीम और कोई कंपनियां इतनी सिक्योर क्यों नहीं है कि गाने को जो है वो लीक कर दिया जा रहा है, और लीक हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या तरीका है। क्योंकि ऐसे कई सारे खेसारी लाल यादव के गाने हैं जो ऑलरेडी जो है लीक हो जाते हैं और फिर आनंद फानंद में उसको रिलीज कर दिया जाता है। खैर, जो भी है, दर्शक तो अब गाना रिलीज हुआ है तो सुनेंगे ही, तो 16 घंटे में 3,36,000 से ज़्यादा इस गाने पर व्यूज मिल चुके हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के लिए बहुत छोटी सी बात है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इस गाने को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव ने गाया है, लिरिक्स जो है अखिलेश कश्यप है, म्यूजिक डायरेक्टर की बात करता हूँ तो श्याम सुंदर है और कुमार सिंह जो है वो इसके प्रोड्यूसर है। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर इस गाने को रिलीज किया गया है, तो कुछ लोगों का साजिश के तहत भी लोग कह रहे हैं कि साजिश जो है वो रचा जा रहा है इस गाने को लेकर। खैर, क्या मामला है तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कैसे क्या हुआ है, ये तो जैसे जानकारी है कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी लीक हो रहा कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाता है कि कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। कंपनी को दो या फिर किसी भी टीम मैनेजमेंट के साथ काम करके आप किसी चीज को रिलीज करो। इस पर आपकी क्या राय है और गाना सुना आपने तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।